लेकिन कस के रखा लगोटा जती जती संत कबीर साहब वो है कि ए मुकाबले कोई पीर फकीर नहीं होया इन मुसलमान से हिंदू दोनों पंथा ने आया मैं पीर भी रहना हर मैं साथ लेकिन कबीर साहब वर्गा दोबारे नहीं आ सकता यदा डंका फिरने वाला बाणी मैं मिला है ऐसे रूप से मैं उठे जा रहा है नैणा देवी ये बंदे ने प्रचार सुनाया जी नेपाल भी जाता है ना ही पता मैं क्योंकि मैं तीजी अखाड़े का चेला मैं भी ये कबीर साहब ही तो कबीर साहब दूसरा रूप भोले नाथ है हाँ कबीर साहब जो है ना बेटा सुनी जी आता है पढ़ा लिखा है कैंट है मैं अनपढ़ पुत्र बढ़िया आना है मेरे चंद की है तेरे और मैं आवाज करता बड़े बड़े नेगा सिंह पुत्र मेरा आवाज अनपढ़ दी गोरख नानक दत्त कबीरा शब्द इच्छा सीधा पोचा नहीं उत्ते ते पूरा पीरा कौन आ पोचा सी जेड़ा तुसी चारे नहीं दस सारे नहीं दस सकते पर मेरे आप दे निजी बच्चे हो सच नूं लैके जा रहे हो लड़े मैदान दे विच आही मिले सीगे जी मान साहब बंदे नूं जान दा मेरी ये तीसरी अख नहीं भुल सकती अच्छा अच्छा तीसरी अख मेरी नहीं भुल सकती सेठ नूं क्योंकि मैनूं टेंशन ते मिला जी ने प्रचार सुनाया कबीर साहब दा साडी जाति दे मुख गुरु हैगा कबीर साहब एंड जे दा नाम आंदे गोरख नानक दत्त कबीरा शब्द दे को चार कबीरा शब्द इक सीगा ते चार शरीर सी ओह किहड़े किहड़े चार शरीर सी ओह आही आप है गे इन्होंने शुरू सुनाया है जी सारा बहुत प्रचार सुनाया मैनू तो यदि फोटो पछाने सर मेरी रूह फुल वांगू खिड़ी है फिर तुम इन्होंने दोबारा नहीं मिले थोड़ू कदे मिले नहीं है मिल के मैनू इन्होंने कहा भी मैं जाना बहुत दुखी ये तो कबीर साहब का आप डायरेक्ट ए रूप आ बंदा है अजी दे कल दूके मतलब क्यों ए जेड़ा डंक है ना ये बरादरी सारी इस पंथ की है असि कौन है असी पानी ताने चारण लगे ढड़ के कुआल लगे ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में मुझको कहा ढूंढे रे बंदे भीतर बैठा पास में मुझी हो तो सुर्ख मिलता हूँ इस पल की तलाश में आत्मा जो परमात्मा हैगा समझने वाले वास्ते है पर मूर्खा ने अगे की बीन बजाइए ए फिर सोनू किन्ना टाइम गल्ला करदे रहे थोड़े नशे मार स्टेशन ते किन्ना टाइम आ किन्ने चिर दी गल्ल है ए हो गए एक महीने हो गए थी नैना देवी जा रहे थे स्टेशन ए बंदा तो बहुत पहुंचा है डायरेक्ट कबीर साहब है इन्हें रूप ले लिया बस एडी आर के पीछे चल रहे प्रचार कबीर का क्यों कर रहे एदा जेड़ा अज डंका ना हिंदुस्तान से आने वाला टाइम आ जा रहा एदे मगर जुड़ूगी दुनिया ना जुड़े तो फिर साथ नहीं रहूगा इतने धरती से एवं इन कहा मैं कोई फकीरे ने मैनू प्रचार सुनाया मेरी आत्मा खिड़ गई धन धन है ये सत साहेब सतगुर साहेब आए नवा ये महापुरुष एदा डंका देख मेरे आप दे निजी बच्चों बरादरी है ना ए प्रचार करो दुनिया पेट चाल है बादशाह समझ नहीं सकती इस संत का प्रचारण हो रहा है और अच्छा ही तुम्हें पैड़ा फड़िया है और अच्छे तुम भी थोड़े भी बेड़े पार हो गए सब दे जो ए बल्ला फड़िया जी ने यह भी साड़ी बरादरी का असि बाणिया के दाने चारण लगे तो असि ताणके हो गए साडा निजी पंथ की है किसी नूं नहीं पता असीं इहे जुलाया पंथ कबीर कराना है शरीर किने टकिया कबीर साहब ने खड़ी बुनी ते इहने टकिया ते हिंदुस्तान च इहदा डंका बहुत वड्डा हो गया चरखा चल पिया ते खद्दर बन गया इहदे नाम दा डंका फिर पहला इह आया गांधी दे रूप च जेल दे विच अंदर बंद कर दिंदे सी इह बाहर मिलदा सी इह गांधी दे रूप च भी आया लोग ते हुण भी कह रहे ने जेल च हैगे ने गांधी दे रूप च भी आया है हुण सानूं पता कित्थे ने इह विराजमान हो पे नहीं बुद्धू बंदा नहीं है बहुत वड्डी हस्ती है रूप कबीर दा बाणा भी चिट्टा लेकिन हिंदुस्तान से घर घर से डंका बजांदा फिरदा है ए चीज नूं मैं मस्त मंदा है मैनू फकीर नूं दरवेश है पता है मैनू घर घर चो डंका डरू बजा रहा है मत खोलन वास्ते कुछ पल्ला फड़ लो एदा उधार हो जाऊगा ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੋ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਵਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਬੇਵਰਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਐ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਬੱਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ
दसो जी ए कसूर है संत कबीर ने खड़ी बुनी और खदर टकया बनाया तो शरीर हिंदुस्तान का टकता तो यह बंदा सही है माड़ा समझ रहे हो मेरे बनी करे यार मैं दोबारा बना लो मैं इधर सामने खड़े यार मैं करता चार सुट दी जिते मर्जी इन्हें बारे करो बोलो सानू कि मिले ये जो संत है हमें मानसा स्टेशन पे मिले थे कुछ समय पहले 6 महीने पहले हम नैना देवी जा रहे थे तो वहाँ हमको स्टेशन पे रुकना पड़ा और इनका प्रचार विचार सुनना पड़ा। इस संत को कोई बाड़ा कहेगा वो महाअपराधी होगा संत कबीर का इनका नहीं होगा कबीर साहब का क्योंकि संत कबीर के नाम से ये इन संतों ने शरीर ढका हिंदुस्तान के तन बंधन को ढका भारत का जो खड्डी बनाई और जो खद्दर बनाया है संत कबीर जी के द्वारा इन्होंने प्रचारण जो किया है वो सत्य और धर्म का प्रचारण किया है ना कि कोई बुरा और गलत बोल रहे हैं। ये संसार के जो बंदे इसके साथ उलझेगा वो गुरु भगवान के भगत के साथ उलझेगा वो अपनी करनी की दंडित होगा आज नहीं कल नहीं परसों जरूर होगा उसको क्योंकि ये जो प्रचार संत कबीर जी के विषय के बारे में है ये सत्य का शब्द कर रहे हैं और सत्य की विजय कर रहे हैं। मेरा नाम बुली बाबा है पर मैं नाथ संप्रदा का हूँ मैं ये जानता हूँ कि गोरख नानक दत्त कबीरा शब्द एक और चार शरीरा इसका उदाहरण कोई हो किसी के पास मैं इसी बस्ती में रहता हूँ अथा न्याय मोहम्मद में मुझे बताए नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे उसको लेकिन इस बच्चे को जरूर बताएंगे। इसके चार ही वर्षण है दो जति हैं कबीर साहब और नानक जी गृहस्थी थे उन्होंने हलवा के अपना ग्रस्त पाला कबीर साहब ने खड्डी बुन के खद्दर बना के अपना ग्रस्त पाला गोरख जी ने लंगोटा बांध के तप किया भजन कमाया और दत्त भगवान ने लंगोटा बांध के तप किया और भजन कमाया ईश्वर को चारों ने पाया। अब इस चीज को कोई जान के क्या जानेगा कि नानक गोरख दत्त कबीर सब देखो चार सुनिए। अच्छा आपको स्टेशन पे आप पूरी ज्ञान चर्चा हुई आपके साथ हाँ जी हाँ आपको क्या क्या बोल रहे थे ये आप इन्होंने बहुत अच्छा प्रचारण सुनाया संतों ने मेरे को भी कबीर साहब के बारे में कबीर जी की जो मर्यादा को जानते हैं कबीर साहब को जो समझ सकते हैं जिन्होंने कबीर जी को समझ लिया उसका 7 जन्म बेड़ा पार है जन्म जन्म ही वो इंसानी जामे में आएगा। संत कबीर का प्रचार जो है कभी गलत नहीं हो सकता ना ही कोई माइका लाल इसके प्रचार को गलत कर सकता क्यों सत्य शुद्ध और सूक्ष्म पूर्ण संत हुए हैं ये आज दुनिया इसको समझे ना समझे हम ये कहेंगे कबीर साहब को समझना बहुत आवश्यक है। कबीर साहब के विषय में जो कबीर बोधक है उसके विचारों पे ध्यान करा जाए और ये जो संत है ये महापुरुष कबीर साहब के ही रूप है जो कि घर घर हेला देते फिर रहे हैं और समझाते हैं कि भी आप लोग जो है कबीर जी की मर्यादा को फिर कायम करें अगर माँ बाप के अंश वंश हो तो जय बोलेगी जय सत्साई की।